हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय पांडे, स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड सेम की डायनेमिक्स की सीरीज़ में, वीडियो की सीरीज़ में हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था रेक्टिलिनियर मोशन इन वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसका जो पहला वीडियो है वो वीडियो में हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, और इसके अलावा हमने देखा था कि रेक्टिलिनियर मोशन में अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, एक्सेलरेशन हम कैसे निकालें, किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कैसे निकालें, डिस्टेंस कैसे निकालें, तो उसका कुछ एक डेरिवेशन मैंने, जिसमें न्यूटन्स के तीनों लॉज मैंने आपको डेरिवेट करके बताए थे, और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए थे। तो आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, इसी में उस रेक्टिलिनियर मोशन का ही आगे का नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी डेरिवेशन ही है, और उस डेरिवेशन में हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो ये डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था वो बता दूं पहले, कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, लीनियर मोशन अगर है, तो इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल डिस्टेंस के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में हमने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिया था, नेगेटिव लिया हुआ था। तो इसको नेगेटिव लेने के बाद ये मेन कंडीशन है जो आपको इसमें याद रखनी है। अब इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या कंडीशन दी है, अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, यानी कि जो पार्टिकल है, सपोज ये सेंटर ऑफ फोर्स है और ये पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स ये चल रहा है, यानी कि इस ए पॉइंट से ओ पॉइंट की ओर आ रहा है। सेंटर ऑफ फोर्स अगर अवे होगा तो बाहर की ओर जाएगा। तो सपोज़ ये डिस्टेंस जो है वो है ए, और हमने क्या किया, इस ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया ए, और इसकी जो हमने पाथ लिया हुआ, इस पाथ में हमने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। और अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो यहाँ से नहीं होगा, कि वो जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, आपने जो पार्टिकल का मोशन स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, वो पॉइंट से डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं होगा। मेजरमेंट होगा जहाँ सेंटर ऑफ फोर्स है, जहाँ से बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसका डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक की मान ली एक्स। तो ये डिस्टेंस, ये जनरल पॉइंट है पी पॉइंट, तो ये पी पॉइंट क्या है, इस पी पॉइंट को आप इस ओ से ए के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट मान सकते हो। अब कंडीशन क्या है, अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट विच वेरीज इन्वर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें एफ, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, और फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए का मतलब क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स इसका मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स में हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें जो है, अगर वो कोई भी फोर्स की बात कर रहा है, तो हम उसका फोर्स का मतलब क्या मानेंगे, इसमें एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कि जो बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्टेंस है एक्स, उसके स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और साइन कौन सा होगा, इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर को बढ़ेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इट मीन्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये माइनस लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो फोर्स है वो एक्स, अगर हम इधर को आएंगे तो एक्स डिक्रीज होगा, और एक्स डिक्रीज होता रहेगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको जो एक्सेलरेशन लेना है वो नेगेटिव लेना है, और इन्वर्सली सॉरी प्रोपोर्शन का साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट हमको लेना पड़ता है, तो वो कॉन्स्टेंट मैंने ले लिया म्यू। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेटिंग। इसको ध्यान से देखिए, अब अगर
डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर अगर मैं लूँ और इस डी एक्स अपॉन डी टी के स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँ तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, टू डी एक्स अपॉन डी टी, और टू डी एक्स अपॉन डी टी के साथ फिर डी एक्स अपॉन डी टी का क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या बन रहा है, टू डी एक्स अपॉन डी टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी किसी भी टर्म के वही डिफरेंशिएट करके जो टर्म आएगा वो उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमको वही टर्म मिल जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन ये बनेगा। तो आप यहाँ देखिए, हम अगर इसको टू डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म आ रहा है, और इसको इंटीग्रेट करके क्या बन रहा था, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस का साइन तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू म्यू अपॉन एक्स प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आएगा ए। अब इस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं एट पॉइंट ए, एक्स की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या है, ये पूरी डिस्टेंस हमने ए ली हुई है, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो कंडीशन ये दी है कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली एट रेस्ट रेस्ट पे है, तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी जो स्पीड है डी एक्स अपॉन डी टी वो क्या होगी, जीरो। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो हो गया, टू म्यू अपॉन ए प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू म्यू अपॉन ए। ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आया है इसको हम फिर से कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में जो स्पीड की इक्वेशन आ रही थी, तो हमको वहाँ से इस पार्टिकल की स्पीड की एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगी इस केस के, तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं। वैल्यू रखने में डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू अपॉन एक्स, और ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू म्यू अपॉन ए, तो टू म्यू कॉमन आ जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू म्यू कॉमन वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पार्टिकल की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड को। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है तो आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, म्यू आपको दिया होगा, तो आपको डी एक्स अपॉन डी टी यानी कि स्पीड मिल जाएगी इस केस में। अब इस स्पीड से हम इस एक्स का जो एक्स वाली इक्वेशन यानी कि डिस्टेंस की इक्वेशन वो भी फाइंड करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू म्यू रूट टू म्यू, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डी एक्स अपॉन डी टी जो हमारा रूट टू म्यू रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स ए आया है, क्योंकि जो मोशन है वो एक्स के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, और अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं। तो इस केस में कौन सा साइन लिया जाए उसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स जो है डिक्रीज हो रहा है तो हमको इसमें इसका नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, जैसे हमने एक्सेलरेशन में भी लिया था इस केस में। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी टी को सेपरेट कर लेते हैं, तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट टू म्यू और ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स डी एक्स के साथ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन अपॉन रूट टू म्यू, ये इसका ए जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आने का मतलब इसको अगर हम इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए अपॉन टू म्यू, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, हमको एक्स और टी में इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्स डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम इजीली उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो एक्स और टी में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए या एक्स और टी में रिलेशन
डेरिवेशन उसका करने के लिए हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने में इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू ए कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ रखते हैं, तो डी टी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन टू म्यू, एक्स की जगह पे ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, और डी एक्स जब हम रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, एक नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटू ए। तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए रूट ए अपॉन ए जो है स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो डी टी इज इक्वल टू ए रूट ए अपॉन टू म्यू, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो डी टी इज इक्वल टू ए रूट ए अपॉन टू म्यू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास ए रूट ए अपॉन टू म्यू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये डी टी की वैल्यू आ रही है इसमें, सॉरी डी एक्स में जो हमने सब्सटीट्यूशन किया था कॉस थीटा साइन थीटा ए, उसमें टू शायद नहीं रखा हुआ है, तो टू यहाँ भी आएगा। तो ये आ रहा है डी टी इज इक्वल टू टू ए रूट ए अपॉन टू म्यू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा ए रूट ए अपॉन टू म्यू डी थीटा, और यहाँ गया डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी टी का टी ए रूट ए अपॉन टू म्यू, वन का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बी। अब फिर से हमको इनिशियल कंडीशन लगानी है, तो जो इनिशियल कंडीशन थी उस इनिशियल कंडीशन में जो मैंने डायग्राम बनाया था ये ओ था, ये पी पॉइंट लिया था जनरल पॉइंट एक्स, और जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था वो ए पॉइंट लिया था। तो इस ए पॉइंट पर जो पार्टिकल था वो रेस्ट पर था, इस ए पॉइंट पर टाइम भी क्या होगा इनिशियली, जीरो। इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी इस केस में जीरो होगी, इस केस में एक्स की वैल्यू ए होगी, और टाइम इस केस में क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। लेकिन उसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ रखेंगे, उससे पहले हम इस थीटा को फिर से एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ए रूट ए अपॉन टू म्यू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू आपको ऑलरेडी पहले से मिल रहा है, तो साइन टू थीटा की जगह हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो टू साइन थीटा कॉस थीटा का टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी। तो टी इज इक्वल टू ए रूट ए अपॉन टू म्यू थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए रूट ए अपॉन टू म्यू थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से ये थीटा अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये रूट एक्स अपॉन ए, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, सॉरी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में आएगा रूट एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बी। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो एट पॉइंट ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए, टी कितना है, जीरो। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए रूट ए अपॉन
टू म्यू कॉस इनवर्स, एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए अपॉन ए वन और कॉस इनवर्स वन आ जाएगा पहला टर्म, प्लस इसमें भी एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो वन और ये आ जाएगा वन माइनस वन प्लस बी। और क्योंकि इनिशियली टाइम भी जीरो है, टी की वैल्यू भी जीरो है, तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा जीरो। तो ये पूरा टर्म कॉस इनवर्स वन जीरो होता है, ये भी जीरो बन रहा है और ये भी जीरो, तो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बी आपको क्या मिल जाएगा जीरो। इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टी कितना मिल जाएगा ए रूट ए अपॉन टू म्यू, इस टर्म को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, रूट एक्स अपॉन ए वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, और जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट था वो जीरो आ रहा था बी, तो ये किसकी वैल्यू आपको मिल गई, टी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू में हमको रिलेशन मिल गया। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद आपको इसका जो रिलेशन मिला है वो किस में मिला है, टी और एक्स में। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालने तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही मैंने इससे जो पहले किया था वो वेलोसिटी हमने निकाली थी, और वेलोसिटी भी आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं जो पहले मैंने डिराइव करी थी, और इसमें आप क्या निकाल सकते हैं टाइम अगर आपको एक्स दिया हुआ है। तो जो जनरल प्रोसीजर है वो क्या है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी कि वो जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या डिस्टेंस की फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्स के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो आपने माइनस का साइन लेना है, और क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इंटीग्रेटिंग एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट भी आएगा। फिर आपको क्या करना था, 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या मिल जा रहा है आपको, dx अपॉन dt का स्क्वायर, यानी कि उसकी स्पीड मिल जा रही है, और उस स्पीड को फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको x और t में रिलेशन मिल जा रहा है। यही जो मोशन का डेरिवेशन है वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन का डेरिवेशन हमको करने हैं हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब अगर आपको इस पार्टिकल का ए से ओ तक आने में टाइम निकालना है, तो ए से ओ तक आने में जो पार्टिकल है वो इस ए पॉइंट पे अगर इनिशियली है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स है वो टोटल कितना है ए, और जैसे जैसे पार्टिकल इधर को आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस ओ पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम ये सपोज मान रहे हैं कि पार्टिकल ए से ओ तक आ रहा है, तो ए से ओ तक आने में एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, जीरो, और ए से ओ तक आने में सपोज जो टाइम है वो टाइम क्या लग रहा है, टी वन। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो, और कॉस इनवर्स जीरो कितना होता है पाई बाय टू, तो कितना आ जाएगा ए टू म्यू, ये तो जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा पाई बाय टू। तो ए को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो पाई बाय टू अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन टू म्यू। तो ये कौन सा टाइम हो गया, इस पार्टिकल का ए से ओ तक आने में टाइम। तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अगर आपको ये सपोज निकालना है कि एक्स अगर टू है तो उस केस में इसका टाइम कितना रहा होगा, तो अब हर एक इसका जितने भी पॉइंट्स इसको मिल रहे हैं, जितने मोशन में जितने पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसका आप हर एक पॉइंट पे आप टाइम निकाल सकते हो कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है, और स्पीड भी निकाल सकते हैं जैसे डी एक्स अपॉन डी टी हमने निकाला था। तो ये इस पार्टिकल का मोशन का डेरिवेशन है कि एक्स और टी में क्या रिलेशन होगा और स्पीड हमको कैसे निकालनी है। तो स्टूडेंट, जो मैंने मोशन का एक डेरिवेशन अभी आपको कराया, ऑलमोस्ट वैसा ही एक डेरिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इस डेरिवेशन में आपको क्या करना है, अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के, यानी कि एक्स इनवर्सली क्यूब के, तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा और म्यू आएगा। तो जो वहाँ हमने इससे पहले वाला डेरिवेशन किया था उसमें एक्स स्क्वायर था, तो प्रोसीजर वही रहेगा, आपको 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। तो जो कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन में थी वही कंडीशन है कि पार्टिकल जो है इधर को एक फिक्स्ड सेंटर ऑफ फोर्स की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा।
इसको 2dx अपॉन dt से आप मल्टीप्लाई करें, फिर इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt का स्क्वायर स्पीड, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस का साइन लेना पड़ेगा वहाँ पे भी, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस में रिलेशन मिल जाएगा, x और t में। तो आपको पूरे स्टेप्स वही फॉलो करना है जो मैंने आपको इससे पहले वाले डेरिवेशन में प्रूफ में दिखाया है, निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें, और इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे डेरिवेशन करेंगे जिसमें पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स से अवे जाएगा। अवे जाने का मतलब क्या है कि उसमें हम साइन क्या लेंगे उसका, पॉजिटिव। तो उस नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।